देखो चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है, लिविंग वर्ल्ड मतलब जिंदा दुनिया। ठीक है, देखो एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर कराऊंगा, एक एक लाइन कवर कराऊंगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़नी है। किस लिए पढ़नी है, ताकि हमें कंफर्म हो जाए, हमें कॉन्फिडेंस आ जाए कि अपनी एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे, यही बात आ जाती है कि क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने टेबल रखी है, या आपके सामने से एक चूहा दौड़ के गया, या आपके सामने से कुत्ता भाग के गया, या आपके सामने क्या है, आपके जूते पड़े हैं, तो क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है हम कैसे पता लगाएं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हमें दिखे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें दिखाई दिए, है ना। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्शियसनेस शो करते हैं। ठीक है, ये हमें सिंपल सी चीजें दिखाई दी। अब इन फीचर्स के साथ दिक्कत क्या है कि हम इनको पूरे तरीके से नहीं बोल सकते कि ये लिविंग में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ग्रोथ है मान लो, अब ग्रोथ लिविंग भी शो कर सकता है, नॉन लिविंग भी शो कर सकता है। कैसे कर सकता है वो आगे बात करेंगे। जैसे रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन भी जरूरी नहीं है कि लिविंग के अंदर हो, प्रेजेंट हो, जरूरी नहीं है। मान लो कोई कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कोई ह्यूमन है जो जो फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो क्या वो लिविंग नहीं है। ऐसे ये बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, तो ये सब बातें करेंगे, है ना। तो यहां पे एक कंसेप्ट आता है किसका, डिफाइनिंग फीचर एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर मतलब ऐसे फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डिफाइनिंग फीचर कौन से हो जाएंगे, है ना। देखो इनमें से डिफाइनिंग फीचर कौन से हो जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, और नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से, ऑटोमेटिकली जो लिविंग में भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इसकी कंफ्यूजन से बचने के लिए एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं आपको, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ये बार बार दुखी करेगा नहीं तो आपको, इसकी जबरदस्त ट्रिक बताता हूं। डिफाइनिंग वर्सेज नॉन डिफाइनिंग में हमें क्या डिफरेंस देखना है, तो देखना है तो किससे देखेंगे, नजर से देखेंगे। नजर मतलब हम अपनी आंखों से देखेंगे, हम अपनी नजर से देखेंगे। NGR यानी नजर, मतलब N से नॉन डिफाइनिंग, G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन। मतलब नॉन डिफाइनिंग फीचर कौन से हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग कौन से हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, कॉन्शियसनेस हो जाएगा। यहां पे हमें अपनी बात, अपना दरवाजा बंद करना है। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, किससे पता लग रहा, अपनी नजर वाली ट्रिक से। NGR नॉन डिफाइनिंग कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और डिफाइनिंग कौन से हो जाएंगे, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस। ठीक है, यहां से अपनी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर है। ठीक है, अब हम इन पे बारी बारी से बात करेंगे कि ग्रोथ के अंदर क्या होगा, रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होगा, कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होगा। अब देखो हम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रोथ के बारे में, तो ग्रोथ के बारे में पहली चीज तो हम अपनी ट्रिक के बेस पे बता देंगे कि ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रोथ जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों है, वो डिफाइनिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हो सकती है और लिविंग में भी हो सकती है, इसीलिए हमने उसको बोला नॉन डिफाइनिंग फीचर। एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं, देखो हमारी हाइट बढ़ती है, मान लो कोई 8 साल का बच्चा है, वो 18 साल का जब होगा उसकी हाइट बढ़ जाएगी, मतलब क्या है, उसने ग्रोथ कर ली, तो लिविंग में तो होती है, सिंपल सी बात है। और नॉन लिविंग की अगर बात करें तो नॉन लिविंग में मान लो ये रेत का ढेर है, ये रेत का ढेर मान लो आज इतना सा है, और मान लो 1 साल बाद ये हवा चली, कहीं कहीं से कुछ कुछ इकट्ठा हुआ और ये क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। मतलब इसने रेत का ढेर जो है इसने क्या कर ली, ग्रोथ कर ली, इसने क्या कर ली, ग्रोथ कर ली। ठीक है, देखो अब देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ की जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन सी है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। अब मेरी बात को याद करो, मान लो एक छोटा सा बच्चा है, 10 साल बाद उसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो उसका वजन भी बढ़ जाएगा, मास भी बढ़ जाएगा, और उसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ जाएंगी, है ना। उसकी हाइट बढ़ेगी तो उसका वेट भी बढ़ेगा, उसकी नंबर ऑफ सेल भी बढ़ेगी, मतलब उसने ग्रोथ की, है ना, दोनों कैरेक्टरिस्टिक को क्या है वो फुलफिल कर रहा है। और फिर से ये नॉन लिविंग
का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इंक्रीज इन मास, देखो रेत का ढेर इतना सा था इतना हो गया, मतलब इसका मास जाहिर सी बात है इंक्रीज हुआ है। और नंबर, यहाँ पे सैंड पार्टिकल बहुत कम थे, यहाँ पे सैंड पार्टिकल का नंबर भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब मास भी इंक्रीज हुआ और नंबर भी इंक्रीज हुआ, तो दोनों करेक्टरिस्टिक को इसने भी फुलफिल किया, मतलब इसने भी ग्रोथ की, है ना। तो लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, इसीलिए हमने ग्रोथ को क्या बोला, नॉन डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अब यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो पूरी जिंदगी होती है, थ्रू आउट लाइफ, है ना, जब से पैदा होंगे और जब तक मरेंगे तब तक उनमें ग्रोथ होगी। बट एनिमल्स के अंदर अप टू सर्टेन एज, फॉर एग्जाम्पल मान लो हाइट का ही एग्जाम्पल ले लो, हाइट कब तक बढ़ती है, 19 साल तक, 20 साल तक, उसके बाद जनरली हाइट किसी की नहीं बढ़ती, है ना। तो एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज तक ग्रोथ होती है प्लांट में थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात की गई है कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, देखो हम यहाँ पे नॉन लिविंग की जब बात की थी, जो ये ग्रोथ हुई थी ये बाहर से हुई थी, मतलब सैंड पार्टिकल बाहर से आएंगे, बाहर से आएंगे, बट जो अंदर से ग्रोथ है, फॉर एग्जांपल हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो हमारे अंदर से बढ़ रही है, ऐसा थोड़ी है कि हमारे बाहर से हवा से कुछ मिट्टी के पार्टिकल उड़ते जा रहे हैं और हमारी हाइट को बढ़ा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, वो ग्रोथ हमारे अंदर से हो रही है, हमारी जो सेल डिवाइड कर रही है वो हमारे अंदर से कर रही है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर, बट ये आ जाए कि ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड कैसा फीचर है, डिफाइनिंग फीचर, वो नॉन लिविंग शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होगी वो हमेशा कैसी होगी, आउटसाइड बाहर से होगी, बट लिविंग में क्या है, इनसाइड से भी होगी। तो ये बातें बिल्कुल क्लियर है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज डिफाइनिंग फीचर, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड इज नॉन डिफाइनिंग फीचर। अब हम बात करते हैं ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन की। ठीक है, तो पहली कन्फ्यूजन तो अपनी यहीं पे क्लियर है, नज़र अपनी ट्रिक से, कि रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, रिप्रोडक्शन कैसा फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, क्यों है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनसीईआरटी में बात की गई है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। ठीक है, और यूनिसेलुलर में मतलब है सेल डिवीजन। इसका एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आप को दिखा देता हूं। देखो ये एक ह्यूमन है, ये एक ह्यूमन है, ठीक है, ये एक ह्यूमन है, मतलब ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये क्या है, एक बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी मतलब यूनिसेलुलर। ठीक है, अब मैं अगर बोलूं आपको कि ये ह्यूमन जो है ये अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो आपका सीधा सीधा दिमाग कहां पे जाएगा, कि ये बच्चे पैदा करेगा। ठीक है, ये ह्यूमन अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो सिंपल हमारा माइंड कहां पे जाएगा, कि इसके अगर बच्चे पैदा होंगे तो उसी को हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्शन बोल रहे हैं। ठीक है, तो यही तो लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, प्रोजेनी क्या होता है, बच्चे पैदा करना, सिंपल सी बात है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अगर बात करें तो अगर मैं ये आपको बोल दूं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी रिप्रोडक्शन करेगी तो आप क्या बोलोगे, कि ये बैक्टीरिया की जो सेल है ये बार बार डिवाइड करेंगी, है ना, यही तो होगी उनकी रिप्रोडक्शन, ये बार बार डिवाइड करेंगी, यही इनकी रिप्रोडक्शन है। ठीक है, और ये अपना नंबर इंक्रीज कर लेंगी, इधर भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, बच्चे पैदा करेगा, और इधर भी नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो ये बात लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई नॉन डिफाइनिंग, मतलब हमने बोल दिया कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है, अब वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नॉन डिफाइनिंग फीचर क्यों होता है, तुमने किस बेस पे बोला, है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे म्यूल है इनफर्टाइल है, वर्कर भी इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल ह्यूमन भी होते हैं ना जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब सिंपल सी बात है ये ऐसे एनिमल्स हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, मतलब ये इनफर्टाइल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट ये फिर भी लिविंग है, है ना। तो ये बात हमने बोल दी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट हो, क्योंकि क्योंकि हमने कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे जैसे म्यूल है, वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन है, ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या है, रिप्रोडक्शन हमारी अब्सेंट है, इसीलिए हमने नॉन डिफाइनिंग बोल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात की गई है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो अलग अलग चीजें हैं, और यूनिसेलुलर की बात करें तो सेम चीजें हैं। ठीक है, देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना इसको देख के, बिल्कुल एक एक पॉइंट पे मेरे साथ में रहो। देखो ग्रोथ की हमने इससे पहले बात की थी, अभी हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात की गई है कि ग्रोथ एक अलग चीज है और रिप्रोडक्शन एक अलग चीज है। फिर से हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो ये मान लो छोटा सा बच्चा है, ये मान लो छोटा सा बच्चा है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी हाइट बढ़
जाएगी, है ना, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको ग्रोथ बोल देंगे, उसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, रिप्रोडक्शन हाइट बढ़ने को हम नहीं बोलेंगे, इसकी हाइट बढ़ेगी तो क्या हुई, इसकी ग्रोथ हुई, ठीक है। और दूसरी चीज मैं बोल दूं कि ये बच्चे पैदा करे, ये अगर बच्चे पैदा करे उसको क्या बोलूंगा मैं, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, उसको मैं बोलूंगा रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग बातें, और यूनिसेलुलर की बात करें तो मैं बोल दूं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये अगर ग्रोथ करेगी तो मेरा दिमाग जाएगा कि ये बैक्टीरिया क्या है, डिवाइड करेगा, है ना। और दूसरी बात मैं बोल दूं कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी अगर रिप्रोडक्शन करेगी तो फिर से मेरा दिमाग कहां जाएगा कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी क्या है, डिवाइड करेगी। मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मामले में बिल्कुल सेम चीज है। मतलब क्या है, कुल मिला के ये सेल्स डिवाइड करेंगी, चाहे आप ग्रोथ बोल लो चाहे रिप्रोडक्शन बोल लो, ये बैक्टीरिया क्या है, डिवाइड करेंगे। ये सिंपल सी बातें यहां पे अपनी क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, ठीक है। तो पहली कन्फ्यूजन तो अपनी ट्रिक से क्लियर है, देखो नॉन डिफाइनिंग कौन से हैं, ग्रोथ है एंड रिप्रोडक्शन है, तो मेटाबॉलिज्म कैसा हो जाएगा, पहली कन्फ्यूजन क्लियर है, डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, डिफाइनिंग फीचर, है ना। डिफाइनिंग फीचर का मतलब क्या है कि मेटाबॉलिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको बिल्कुल समझते हैं, इसको देख के घबराना मत, एक एक वर्ड में एक एक पॉइंट में मेरे साथ रहना, ठीक है, भावनाओं को समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं मेटाबॉलिज्म में, बट बिल्कुल एक एक पॉइंट में मेरे साथ रहना, ठीक है। देखो मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसेंशियली अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या बोल रहे हैं वो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होंगी ही होंगी, है ना। जो लिविंग है, जो जिंदा है, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी ही होगी, इसेंशियल प्रोसेस है, पहली बात, ठीक है। बट उसने क्या बोला कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी परफॉर्म किया जा सकता है, है ना। परफॉर्म कैसे, मान लो लेबोरेटरी में कर दिया, है ना, लेबोरेटरी में कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ भी लगा लो आप, मान लो कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है उसको लैब में परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर दिक्कत होगी, यहां पर दिक्कत वाली बात होगी कि एक लाइन में हमने बोला कि मेटाबॉलिक रिएक्शन तो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, और दूसरी में ही उस लाइन का हमने क्या कर दिया, सत्यानाश कर दिया, ये बोल के कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या है, वो लैब में आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म की जा सकती है, है ना। तो दोनों चीजें क्या है, गड़बड़ होगी, ठीक है। तो एक इन दोनों को सही से बताने के लिए बिल्कुल ये अपनी तीसरी लाइन तैयार है, जो बिल्कुल मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर शो कर देगी कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर हो रही है, ठीक है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात आ गई, सेल के अंदर होनी चाहिए, लैब में नहीं, टेस्ट ट्यूब में नहीं होनी चाहिए। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होती है तो हम उसको डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगी ही होगी, बट दिक्कत क्या आ गई कि उनको हम लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बट यहां पे इन दोनों को हटा के हमने एक फाइनल लाइन तैयार की कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर होती है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिफाइनिंग फीचर बोल रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर मतलब सिंपल सी बात है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर एक डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। ये बिल्कुल कंफ्यूजन क्लियर है। अब अपना लास्ट फीचर है कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही बनता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो ये हमारी ट्रिक से ऑलरेडी कवर हो चुका है कि नॉन डिफाइनिंग सिर्फ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है, तो कॉन्शियसनेस कैसा है, डिफाइनिंग फीचर है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस होता क्या है, ठीक है। ये ऑलरेडी सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है, मतलब क्या है, एक तरीके से शुद्ध बुद्ध, है ना, बोल सकते हैं ना कि शुद्ध बुद्ध, यही तो कॉन्शियसनेस क्या होती है। अगर इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन देखें तो एबिलिटी टू सेंस दियर सराउंडिंग या एनवायरमेंट और उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड करना, है ना। इसको अब छोड़ दो आप लाइन को, अब इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। देखो मान लो गर्मी आ रही है, हम गर्मी में बाहर धूप में निकलते हैं तो हम उसको सेंस कर सकते हैं कि हमें गर्मी लग रही है, है ना। हम इजीली सेंस कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग को, अपनी एनवायरमेंट को, और हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पोंड भी करते हैं। रिस्पोंड मतलब या तो हम छांव में चले जाएंगे, हमारी बॉडी से पसीना आने
आने लग जाएगा, है ना। यही तो होता है कॉन्शियसनेस, है ना। हम उसको वो कर सकते हैं, एक तरीके से सेंस कर सकते हैं, है ना। और अगर आप मान लो टेबल को या कुर्सी को अगर आप धूप में रख दो, तो वो बिल्कुल बेचारी कुछ भी नहीं करेगी, वहीं पर पड़ी रहेगी ना, उसको गर्मी लग रही है ना ठंड लग रही है, ठीक है। तो यही होती है। तो कॉन्शियसनेस एनिमल्स भी शो करते हैं, प्लांट्स भी शो करते हैं। प्लांट्स जैसे मान लो रेगिस्तान के बिल्कुल सूखे इलाके के प्लांट्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फोटोसिंथेसिस करेंगे, और बारिश वाले इलाके के प्लांट उसके अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। प्रोकैरियोट बैक्टीरिया बैक्टीरिया भी ये सब शो करते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात की गई है सेल्फ कॉन्शियसनेस की। देखो यहाँ पे दो चीज़ें समझना, कि अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, एंड अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद की अवेयरनेस को बोलेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ मतलब खुद की, कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, ठीक है। तो अवेयरनेस, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, और अवेयरनेस ऑफ हिमसेल्फ, है ना, खुद की अवेयरनेस को क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है कि जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हम याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक मज़ेदार सी बात है, वैसे ये ऑलरेडी आपको आती है 8वीं 9वीं क्लास से आती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारे पास सेल्स हैं, ये हमारे पास यहाँ पे सेल्स हैं, और सेल्स मिलके क्या बना देती हैं, टिश्यू बना देती हैं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट हैं वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ अपनी लाइन, कि वो क्या बोल रहे हैं कि टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं है ना, तभी तो बनाया, नहीं तो जरूरत ही क्या थी, सेल्स ही रख लेते। और टिश्यू से आगे मान लो मिलके बनता है ऑर्गन, तो ऑर्गन में जो प्रॉपर्टी होंगी वो टिश्यू में नहीं होंगी, है ना। लिए तो क्या है, एक तरीके से क्या हो रही है, इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन होना चाहिए कि टिश्यू के अंदर जो प्रॉपर्टी आई, जो नई प्रॉपर्टी आई, मतलब जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थी, वो आई कहां से। तो सिंपल सी बात है, जो सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं तो इनके बीच में एक तरीके से कुछ इंट्रैक्शन होती है, और इस इंट्रैक्शन के रिजल्ट की वजह से टिश्यू के अंदर नई प्रॉपर्टीज आई, है ना। और टिश्यू मिलके मान लो आगे ऑर्गन बनाएगा, तो टिश्यू मिलके जो इंट्रैक्शन करेंगे उसके रिजल्ट से ऑर्गन में नई प्रॉपर्टीज आएंगे, है ना। तो कुछ इसी तरीके से क्या हो रही है, एक तरीके से इवोल्यूशन हो रही है ना, इवोल्यूशन हो रही है, है ना। इसी तरीके से तो हो रहा है, मान लो प्रिमिटिव एनिमल है, बहुत पुराने एनिमल है, उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट है, उनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो उसमें जो प्रॉपर्टी होंगी, और जो मान लो एडवांस एनिमल है, मान लो मैमल्स है, मैमल्स के अंदर टिश्यू भी प्रेजेंट है, ऑर्गन भी प्रेजेंट है, तो उनके अंदर थोड़े एक्स्ट्रा फीचर आ जाएंगे। इसी तरीके से क्या है, एक तरीके से इवोल्यूशन हो रही है ना। तो एक तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन बता रहा है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद को क्या है, इवॉल्व करते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। देखो हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में पढ़ा कि जो जिंदा है ना, जो जिंदा है उनके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब जो जिंदा है वो तो दुनिया में बहुत सारे हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई बाज है, कोई कीड़ा है, कोई बैक्टीरिया है, कोई इंसान है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। देखो बायो मतलब, बायो वर्ड यूज़ होता है लिविंग बींग्स के लिए, है ना, जो जिंदा है, और डाइवर्सिटी मतलब कि जो जिंदा है उनकी डाइवर्सिटी, सिंपल सी बात है ना। और ये इतने मिलियन एनसीआरटी में लिखा है कि 1.7 to 1.8 million स्पीशी हैं पूरी दुनिया में, तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, इतनी सारी मिलियन स्पीशी है, इनमें से कोई कबूतर है, कोई बाज है, कोई मछली है, कोई मेंढक है, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है, ठीक है। इसी की हम बोल रहे हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहां पर हमें क्लासिफिकेशन की, प्रॉपर नेमिंग की, प्रॉपर उसकी चीज की, सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। जैसे एक एक इंसान का आधार कार्ड जैसे बनाया, फॉर एग्जाम्पल, जरूरत क्यों पड़ी, पहले वे देखते हैं। देखो अगर मैं आपको बोल दूं कि एक चूहा पकड़ के लाओ, एक चूहा पकड़ के लाओ, तो इतनी मिलियन स्पीशी में से आपको कैसे पता चलेगा कि चूहा कौन सा है ना। इसीलिए हमें नेमिंग की, आइडेंटिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की, टैक्सोनॉमी की, बेसिकली टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसको हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
तो अब देखो, अब हमें करनी है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का सिंपल सा मतलब है, साधारण शब्दों में बताता हूँ, कि मैं आपको बोलूँ कि कुत्ता पकड़ के लाओ तो आप कुत्ते को ही पकड़ के लाओगे, ठीक है। मैं आपको बोलूँ बिल्ली पकड़ के लाओ तो आप बिल्ली को ही पकड़ के लाओगे। मैं आपको बोल दूँ कि शेर को पकड़ के लाओ, वो शायद आप नहीं पकड़ के लाओगे, है ना, वो मैं भी नहीं पकड़ पाऊंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में देखो सिंपल सी बातें हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। सिंपल सी बात है, अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी चीज का नामकरण करना है, तो नामकरण देख लो, कोई भी बच्चा है उसका नाम अगर हमें रखना है तो पहले उसको आइडेंटिफाई तो करेंगे ना, किसका नाम रखना है, तो पहले करेंगे आइडेंटिफिकेशन, फिर उसका करेंगे क्या, नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण। तो नोमेनक्लेचर में सबसे अच्छा कंसेप्ट एनसीईआरटी में बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है, सबसे पहला कंसेप्ट आया किसका, कैरोलस लिनियस का, है ना, लिनियस अंकल का आया, ठीक है। क्या है ये, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय बाय का मतलब क्या होता है, दो। बाय का मतलब होता है दो, मतलब यहां पे किसी भी चीज के इन्होंने लिनियस अंकल ने दो नाम दिए, ठीक है, मतलब नाम एक ही है उसमें दो उसके पार्ट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे ये मैंगो का नेम है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। अब बाय का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें छुपी हुई है, एक दो, एक दो, ठीक है। देखो जो पहले जो हमें आगे की साइड दिखाई देगा वो क्या डिनोट करेगा, वो जीनस को डिनोट करेगा आगे की साइड, और जो पीछे की साइड होगा वो स्पीशी को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो जीनस होगा मतलब जो पार्ट आगे की साइड है, बाय में दो चीजें हैं, पहली दूसरी, पहली वाला आगे वाला है जो जीनस है, पीछे वाला है स्पीशी, और जो आगे वाला पार्ट है यानी जीनस वाला पार्ट है उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और जबकि स्पीशी का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैसा होगा, स्मॉल लेटर होगा। बिल्कुल इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि अगर हमें साइंटिफिक नेम में कि साइंटिस्ट को भी डिनोट करना हो, जैसे मैंगीफेरा इंडिका जो नाम है वो लिनियस अंकल ने दिया था, तो इनका नाम अगर दिखाना हो पूरे नाम में तो ऐसे दिखाएंगे, मैंगीफेरा इंडिका लिन, मतलब ये जो नाम है किसने दिया, लिनियस अंकल ने दिया, ठीक है। इतनी बातें हमें समझ आती है। और इस चैप्टर में ये आपको दो फुल फॉर्म याद रखनी है, ICBN, ICZN, ठीक है। ये है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसके साथ ही एक चीज एनसीईआरटी में लिखे हुए, एक तरीके से लिनियस अंकल की किताब है, लिनियस अंकल की किताब का क्या नाम था, सिस्टमा नेचुरा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लिनियस अंकल की पब्लिकेशन किताब ही याद रखना, किताब का क्या नाम था, टाइटल क्या था, सिस्टमा नेचुरा। अब देखो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, अब जो पढ़ाकू बच्चा है वो इनको पढ़ ले, ये पूरा एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है ना, पढ़ाकू वाला इनको पढ़ ले, और जो पढ़ाकू नहीं है वो सिर्फ इस वाली पर्ची को देखे, ठीक है। देखो हम नाम ऐसे लिखते हैं, हम नाम ऐसे लिखते हैं, ये हमने लिख दिया मैंगीफेरा इंडिका, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं वही इसमें सिंपल सी लिखी है। देखो ये मैंने कैसे लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका कैसे लिखा है, मैंने इटैलिक्स में लिखा है। अब इटैलिक्स क्या होती है, देखो सिंपल है, एक तो मैं बायोलॉजी ऐसे लिखूं, एक बायोलॉजी थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा करके लिख दूं, सिंपल हिंदी में ऐसे ही बता रहा हूं कि एक बायोलॉजी में ऐसे लिखूं सजा धजा के, एक थोड़ा सा टेढ़ा सा, ना आप समझ गए होंगे कि इसको मैं इटैलिक्स बोल रहा हूं, है ना। तो ये टेढ़ा टेढ़ा सा लिखने को क्या बोल रहे हैं, इटैलिक्स बोल रहे हैं। तो ये मैंने इटैलिक्स में लिख दिया, पहली बात। दूसरी बात, जो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, देखो कैपिटल एम से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या, जीनस, और ये जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है इसको हम बोल देंगे स्पीशी, ठीक है। आगे आएगा जीनस, उसके पीछे आएगा स्पीशी, और जीनस किससे है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, और स्पीशीज किसे, स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, हाँ, बिल्कुल बातें क्लियर है, यही सब इसमें लिखा हुआ है। और क्या बातें हमें यहां नजर आ रही है कि इनको हमने सेपरेटली अंडरलाइन किया है, ठीक है, इसको भी सेपरेटली अंडरलाइन किया है, और इसको भी हमने अंडरलाइन किया है, यही बातें इसमें घुमा फिरा के लिखी है। अब देखो ये चीज अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ने जाओगे तो पक्का आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, बिल्कुल भी आपको मजा नहीं आएगा। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। देखो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, कैरेक्टराइजेशन करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन करने वाले हैं, फिर उसको डिफरेंट टैक्सा में डाल देंगे, टोटल मिल जाएगा क्या, अपनी टैक्सोनॉमी अपने को मिल जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर किया, अब हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, टोटल मिला के बन जाएगा अपना टैक्सोनॉमी, ठीक है। देखो सिंपल सा एक एग्जांपल बताता हूं, देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, और मैं इसके कैरेक्टर्स आपको बताने जा रहा हूं, ये दौड़ सकता है,
है, ये कूद सकता है, ये सांस ले सकता है, ये सब इसके क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, मतलब कैरेक्टराइजेशन। ये दौड़ सकता है, ये कूद सकता है, ये सांस ले सकता है, ये खाना खा सकता है। इन कैरेक्टर्स के बेस पे हम इजीली बता सकते हैं कि ये प्लांट तो नहीं हो सकता। अगर ये दौड़ सकता है, अगर ये कूद सकता है, तो ये प्लांट तो नहीं हो सकता है, जाहिर सी बात है ये एक एनिमल होगा, है ना। हमने क्या किया, इसके कैरेक्टर्स के बेस पे, कैरेक्टर कौन से थे, दौड़ना इसका कैरेक्टर है, सांस लेना इसका कैरेक्टर है, इसके कैरेक्टर्स के बेस पे इसको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। देखो, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड, इसको हमने क्लासिफाइड कर दिया एक टैक्सा के अंदर। टैक्सा क्या है यहां पे, एनिमल, एनिमल एक टैक्सा है, एक टैक्सा के अंदर इसको हमने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब देखो आगे मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं कि ये एक एनिमल है, ये तो अपने को क्लियर हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, इस एनिमल के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड क्या है, इसका कैरेक्टर्स है, फिर मेमोरी ग्लैंड के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई कर दिया कि जाहिर सी बात है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है तो ये जाहिर सी बात है ये एनिमल एक मैमल होगा। तो मैमल क्या आ गया, फिर से यहां पे एक टैक्सा आ गया। इस बात पे ध्यान देना, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि एनिमल भी एक टैक्सा है, मैमल भी एक टैक्सा है, टैक्सा अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, फिर से हम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टैक्सा, ठीक है। अब देखो इस मैमल के बारे में मैं एक और चीज बता रहा हूं कि ये जो मैमल है ये नीट की तैयारी कर सकता है, ये नीट की तैयारी कर सकता है। तो नीट की तैयारी करना क्या हुआ, करेक्टर हो गया, और फिर हम इसको क्लासिफाई कर देंगे। जाहिर सी बात है देखो, कुत्ता तो नीट की तैयारी कर नहीं सकता, ना हाथी कर सकता, कौन कर सकता है, ह्यूमन इंसान ही कर सकते हैं। तो फिर से हमने इसको एक टैक्सा के अंदर, ह्यूमन के अंदर डाल दिया। देखो टैक्सा डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, एनिमल भी टैक्सा, मैमल भी टैक्सा, ह्यूमन भी टैक्सा। तो ये कुछ इस तरीके से था, और ये हमने पूरा जो किया आइडेंटिफिकेशन की, फिर नोमेनक्लेचर नामकरण किया, कैरेक्टराइजेशन की, क्लासिफिकेशन की, इस सब को मिला जुला के क्या बोल रहे हैं हम, टैक्सोनॉमी बोल रहे हैं। यही था पूरा कंसेप्ट, ठीक है। तो अब यहां पे एक और बात ध्यान देना कि टैक्सोनॉमी के अंदर हमने कहीं भी पूर्वजों की बात नहीं की। सिस्टमैटिक्स यहां पे आपको एक वर्ड दिखाई देगा। देखो टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जब हम टैक्सोनॉमी के साथ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं तो उसको हम बोल देंगे सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स इज इक्वल टू टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ये सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक हो। इसके पास आपकी जो भी ट्रिक है अच्छी बात है, अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो ये वाली फॉलो कर लेना। कौन सी, कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस। कोहली क्रिकेट खेलता है कहाँ पे, फ्लैट ग्राउंड सरफेस पे। कोहली प्लेज क्रिकेट ऑन फ्लैट ग्राउंड सरफेस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि सिमिलैरिटी जो है वो स्पीशीज की तरफ बढ़ेगी। देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक ये है, S फॉर स्पीशी, S फॉर सिमिलैरिटी, है ना। आप यहाँ से स्पीशी की तरफ आओगे तो सिमिलैरिटी बढ़ेगी। देखो सिमिलैरिटी का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म का किंगडम सेम है, और दूसरा एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अगर दो ऑर्गेनिज्म की फैमिली सेम है तो सिमिलर, कौन से ज्यादा सिमिलरिटी होगी, तो सिंपल सी बात है इधर से इधर आएंगे तो सिमिलरिटी बढ़ेगी, मतलब फैमिली जिनकी सेम है उनमें ज्यादा सिमिलरिटी है, है ना। सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो ये वाला पोर्शन आपका पूरा याद करने का, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है कि कौन से ऑर्डर में कौन सी फैमिली है, कौन सी क्लास में कौन से ऑर्डर है, ये पूरा कंप्लीटली आपका याद करने का पोर्शन। ये एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है और इसको याद करने के लिए बच्चे बिना बात पे लंबी लंबी ट्रिक्स बनाते रहते हैं जो बाद में याद भी नहीं आती है। तो ये पूरी लगभग कॉमन सेंस पे बेस्ड है, एक दो पॉइंट बीच में ऐसे आएंगे जहां पे ट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये कॉमन सेंस से अपनी हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैन लगा के चलो, ह्यूमन ही लगा के चलो। अब ह्यूमन का साइंटिफिक नेम सबको पता है क्या होता है, होमो सेपियंस, ठीक है, होमो सेपियंस। अब नाम हमने नोमेनक्लेचर में किया था कि इसमें होमो क्या हो जाएगा इसका जीनस, और सेपियंस क्या हो जाएगी, स्पीशी हो जाएगी, ठीक है। अब ह्यूमन है तो हमें पता है ह्यूमन कौन से किंगडम में आएंगे, एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम में भी ह्यूमन कौन से फाइलम में आते हैं, कोरडेटा फाइलम में, और कोरडेटा में भी बहुत सारी क्लास है, कौन सी, एम्फीबिया है, रेप्टाइल है, बर्ड्स है, मैमल्स है, तो ह्यूमन कौन सी क्लास में आएंगे, मैमलिया क्लास में, ठीक है। और यह फैमिली
होमिनिडी ये किससे हो जाएगी, होमो ये होमो से आ जाएगी, जीनस क्या है होमो, तो फैमिली हो जाएगी होमिनिडी, और ऑर्डर प्राइमाटा, ये ऐसे याद रख लेना अगर ना याद रहे, प्राइमाटा यानी पिता माता। अब पिता माता कौन बोलता है, ह्यूमन ही बोलते हैं, जानवर तो बोलते नहीं, पिता माता, तो ये अपना क्लियर है। नेक्स्ट है हाउस फ्लाई, फिर से इसका साइंटिफिक नेम सिंपल सा है, मस्का डोमेस्टिका। अब मस्का डोमेस्टिका में हमने नॉमन क्लेचर में किया कि इसका जीनस क्या हो जाएगा, मस्का, आगे वाला जीनस स्पीशी क्या हो जाएगी, डोमेस्टिका। अब हाउस फ्लाई हमें पता है कहां पे आएगी, कौन से किंगडम में आएगी, प्लांट में आएगी या एनिमल में आएगी, तो सिंपल सी बात है हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो एनिमल किंगडम में आएगी। अब एनिमल किंगडम में भी कौन से फाइलम में आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी कहां पे आते हैं, अर्थ्रोपोडा में, और अर्थ्रोपोडा में भी अगर बात करें तो मक्खी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्लास कौन सी हो जाएगी इसकी, इंसेक्टा, है ना, क्लास क्या आ जाएगी, इंसेक्टा। और यहां पे इसकी फैमिली इससे याद आ जाएगी किससे, मस्का, एम फॉर मस्का, एम फॉर मसीडिया, ये पूरा ये मैच हो रहा है ना, जैसे इधर मैच हुआ था ऐसे इधर भी ये मैच हो गया, है ना। और इसको कैसे याद रखें, देखो इसको ऐसे याद रखना, मक्खी है ना, मक्खी हाउस फ्लाई, मक्खी के कितने पंख होते हैं, दो पंख होते हैं, तो ये याद आएगा डिप्टेरा, डी फॉर दो, डी फॉर डिप्टेरा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है मैंगो एंड वीट, देखो ये दोनों थे एनिमल और ये दोनों है प्लांट, तो एक बात तो क्लियर है मैंगो एंड वीट किस में है, प्लांट किंगडम में। अब प्लांट किंगडम में भी इसकी डिवीजन करते हैं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट कहां पे हैं, तो दोनों क्या है, दोनों एंजियोस्पर्म है। और एंजियोस्पर्म में भी बात करें तो मैंगो जो है वो है डाइकोट प्लांट और वीट जो है वो है मोनोकोट प्लांट, तो इतनी बातें क्लियर है। और ये इनका नाम से हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका मैंगो, तो जीनस क्या हो जाएगा, मैंगीफेरा, और इधर ट्रिटिकम एस्टिवम, तो इसका जीनस क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब हमें इसके ये दो याद रखने हैं और इसके ये दो याद रखने हैं, तो वीट में तो देखो ये पोएसी याद रखने ना, पोएसी पोएल्स दोनों सिमिलर हैं, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लियर बात है। अब इसको कैसे याद रखें, ये और ये, इसको ऐसे याद रख लेना, देखो मैंगो जब हम फ्रूट खरीद के लाते हैं तो तीन बहुत कॉमन फ्रूट है, मैंगो यानी आम, अनार और सेब, आम, अनार और सेब, ठीक है, ये मैंगो, ये फैमिली अनार से याद आ जाएगी कि एनाकार्डियसी, और सेब से क्या याद आ जाएगा, इसका ऑर्डर सेपिंडल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से इसको याद रखने की कोशिश करना। पहले सिंपल सा समझते हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड होता क्या है। देखो फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल है, टाइगर है ना, डॉग है, या कोई भी प्लांट है, उसके बारे में हमें अगर स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो हम किन चीज़ों की मदद लेंगे, उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, टेक्सोनॉमिकल एड, है ना। तो किन चीज़ों की मदद लेंगे, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड लिटरेचर, इस टाइप से इनको करना, ठीक है, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड लिटरेचर। अब देखो यहीं पे बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके चलना, प्रिजर्वेशन मतलब जहां डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, प्रिजर्वेशन मतलब जहां डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, और कंजर्वेशन ठीक इसके ऑपोजिट, जहां लाइव ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, जिंदा जिंदा को रखा जाएगा। और लिटरेचर तो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें बुक्स ETC आ जाएंगे ना, पढ़ने वढ़ने वगैरह या इंटरनेट पर, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिजर्वेशन में क्या है, डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाएगा, पहली बात अपनी क्लियर है, और इसमें क्या क्या आएंगे, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। तो पहली चीज तो अपनी यहीं पे क्लियर हो जाती है कि हर्बेरियम एंड म्यूजियम के अंदर डेड ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। अब कौन से ऑर्गेनिज्म, ये हम आगे देखें, ठीक है। और कंजर्वेशन में लाइव ऑर्गेनिज्म इसमें क्या आ जाएगा, जूलॉजिकल पार्क एंड बोटेनिकल गार्डन। मतलब एक बात क्लियर है कि जूलॉजिकल पार्क यानी जू यानी चिड़ियाघर और बोटेनिकल गार्डन में जिंदा जिंदा ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, डेड को नहीं रखा जाता, एक बात क्लियर है, ठीक है। और लिटरेचर में अपने क्या क्या आ जाएंगे, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग, इनकी बहुत अच्छी बहुत सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो NCERT में दिया हुआ है उसको याद करने की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन में हमारे पास क्या आ रहे थे, हर्बेरियम एंड म्यूजियम। और एक बात हम बिल्कुल क्लियर कर चुके थे कि प्रिजर्वेशन के अंदर क्या आएंगे, डेड ऑर्गेनिज्म आएंगे, ठीक है। अब यहां पे हम डिफरेंस, पहला डिफरेंस करते हैं हर्बेरियम एंड म्यूजियम के बीच। देखो
हर्बेरियम में वर्ड आ रहा है हर्ब, हर्ब है ना, नाम में ही आ रहा है हर्ब, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे, कैसे डेड होंगे क्योंकि प्रिजर्वेशन के अंडर है, और म्यूजियम में क्या होगा प्लांट्स भी होंगे और एनिमल्स भी होंगे, कैसे होंगे डेड होंगे क्योंकि प्रिजर्वेशन के अंदर है, हर्बेरियम में सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स होंगे, म्यूजियम में प्लांट्स भी होंगे एनिमल्स भी होंगे, और एक बात तो क्लियर है दोनों में डेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हर्बेरियम में प्लांट्स को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, देखो हमने प्लांट स्पेसिमेन को लिया, प्लांट स्पेसिमेन को लिया उसको ड्राई किया, ये पूरा एनसीईआरटी का फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ के देख लेना, ठीक है। प्लांट स्पेसिमेन लिया उसको ड्राई किया फिर उसको प्रेस किया और फिर उसको शीट्स पे प्रिजर्व कर दिया, मेरा फ्लो पकड़ना एक बार, एनसीईआरटी का फ्लो है मेरा नहीं है। देखो प्लांट स्पेसिमेन लिया उसको ड्राई किया उसको प्रेस किया और उसको शीट्स पे प्रिजर्व कर दिया। अब शीट्स के ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दिखाई देगी, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, ठीक है, डेट किस तारीख को किस डेट को उसको कलेक्ट किया गया और किस प्लेस पे उसको है ना किस जगह से उसको कलेक्ट किया गया, ठीक है। और क्या है, इंग्लिश नेम होगा उस पर, लोकल नेम होगा उस पर, बोटेनिकल नेम होगा उस पर, है ना, फैमिली कौन सी फैमिली का वो प्लांट है वो होगा, कलेक्टर्स नेम होगा उस पर, ये सब इंफॉर्मेशन उस शीट पे दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और इधर म्यूजियम की बात करें तो म्यूजियम में यहाँ थोड़ी सी बात की गई है एनसीईआरटी में कि जो छोटे एनिमल हैं जिस तरीके से इंसेक्ट हैं उनको किस तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, उनको कलेक्ट किया जाएगा, ये एनसीईआरटी का फ्लो है, उनको कलेक्ट किया जाएगा, उनको फिर किल किया जाएगा, उनको फिर पिन कर दिया जाएगा, पिन है ना छोटे एनिमल है उनको हम पिन कर सकते हैं, बट लार्ज एनिमल जो होते हैं उनको हम पिन नहीं कर सकते, उनको कैसे प्रिजर्व करेंगे, उनको स्टफ करके है ना, पहले स्टफ किया जाएगा फिर उनको प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। और एक लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुआ है कि स्केलेटन ऑफ एनिमल्स ऑल्सो प्रिजर्व, मतलब म्यूजियम के अंदर एनिमल्स के स्केलेटन को भी कंकाल को भी प्रिजर्व किया जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, जहां भी म्यूजियम आपने देखे होंगे ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में म्यूजियम होते हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े कंकाल स्केलेटन एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, दिखाई देता है, ये कॉमन सेंस की बात है। अब प्रिजर्वेशन से आगे हम बढ़ते हैं किस पे, कंजर्वेशन पे, तो कंजर्वेशन में एक बात तो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, लाइव जिंदा ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। और इसमें दो चीजें आई थी अपने पास, जूलॉजिकल पार्क और बोटेनिकल गार्डन। देखो जूलॉजिकल पार्क क्या होता है, सिंपल सिंपल क्या होता है, चिड़ियाघर होता है, जू होता है, तो जू में क्या होते हैं, जिंदा एनिमल्स होते हैं ना, हम किनको देखने जाते हैं, जिंदा एनिमल्स को ही तो देखने जाते हैं, तो यहां पे तो कुछ याद नहीं करना अपने को। फिर बात करते हैं हम बोटेनिकल गार्डन की, बोटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं, सबको पता है बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स होते हैं कैसे होते हैं, जिंदा होते हैं, ठीक है। बट यहां पे बोटेनिकल गार्डन में जो याद करने वाली बातें हैं वो ये हैं, अपनी एनसीईआरटी में दी हुई हैं कि तीन, ये तीन चीजें दी हैं जो अपने को याद करनी है, कि क्यू बोटेनिकल गार्डन कहां पे है, इंग्लैंड में है, क्यू बोटेनिकल गार्डन कहां पे है, इंग्लैंड में। देखो इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे, लखनऊ में। देखो क्यू तो देखो इंग्लिश जैसा ही वर्ड लग रहा है ना, थोड़ा अंग्रेजी अंग्रेजी सा वर्ड लग रहा है क्यू, तो इसको इंग्लैंड में कर दो, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड में कर दो, ठीक है। इंडियन और नेशनल की कंफ्यूजन से कैसे बचना है, देखो नेशनल जो वर्ड है इसमें लास्ट में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, एल है ना, नेशनल में एल आ रहा है तो एल को एल से मैच करा दो, है ना, एल लखनऊ, ठीक है। और इंडियन में एल नहीं आ रहा तो ये हावड़ा, इन दोनों में कन्फ्यूजन होगी, इसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं, नेशनल में एल आ रहा है तो एल को एल से मैच करा दो लखनऊ से, तो इंडियन किस में, हावड़ा में, और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस में, लखनऊ में, ठीक है। अब हमारे पास बारी आती है कि इसकी लिटरेचर की, लिटरेचर में हमने क्या क्या किया था, फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है। देखो फ्लोरा, फ्लोरा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, फ्लोरा वर्ड यूज़ होता है फ्लावर्स के लिए, है ना, फ्लावर्स के लिए, तो एक तरीके से प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए हम बोल सकते हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट हैं उसके बारे में क्या बताएगा ये फ्लोरा, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ याद नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है मैनुअल, बिल्कुल एनसीईआरटी में जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा। देखो मैनुअल, मैनुअल के स्टार्टिंग के तीन लेटर पकड़ो, एम ए एन, इनको ठीक क्या कर दो, रिवर्स कर दो, एन ए एम, एम ए एन को हमने क्या कर दिया, एन ए एम कर दिया, मतलब नेम, मतलब ये नेम ऑफ द स्पीशी के बारे में बताएगा, एनसीईआरटी की बिल्कुल बिल्कुल वो क्या है कि स्पेसिफिक लाइन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है मोनोग्राफ, देखो मोनो का मतलब क्या होता है, वन, मोनो का मतलब होता है वन, तो ये किसके बारे में इन इन्फॉर्मेशन देगा, वन टैक्सोन के बारे में, पूरा एनसीईआरटी से स्पेसिफिक चल रहे हैं, वन टैक्सोन, मोनो मतलब वन, वन टैक्सोन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैटालॉग। कैटालॉग लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, कैटालॉग आप गूगल पे भर के देखना, कैटालॉग मीनिंग इन हिंदी है ना, एक तरीके से ये क्या होता है, लिस्ट होती है। कैटालॉग क्या होती है, एक लिस्ट होती है एक तरीके से, है ना, वो लिस्ट के बारे में बताएगा कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उनकी एक तरीके से लिस्ट तैयार करके देगा। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज बचती है इस चैप्टर में, क्या है, की। ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा अलग से फंड है। ठीक है, देखो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ चार चीजें याद रखनी है ना, आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने पे चार चीजें याद रखनी है। पहली बात कौन सी है, कि की एक टैक्सोनॉमिकल एड है। पहली बात, की एक टैक्सोनॉमिकल एड है, पहली बात कंप्लीट है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, की बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली अक्कर इन पेयर कपलेट। ये क्या होता है बिल्कुल भूल जाओ, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरी बात क्या है, दूसरी बात कपलेट होगी, तीसरी बात क्या है, ईच स्टेटमेंट इज कॉल्ड, है ना, ईच स्टेटमेंट इनकी इज कॉल्ड लीड। ठीक है, ये यहां पे थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई जिसको आपने नजरअंदाज शायद कर ही दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। चार चीजें होगी, की टैक्सोनॉमिकल एड है पहली बात, दूसरी बात क्या है कपलेट वाली, तीसरी बात क्या है लीड वाली, और चौथी बात क्या है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, अब देखते हैं ये कपलेट क्या होता है, लीड क्या होता है। देखो कपलेट तो नाम से ही पता लग रहा है, कपलेट देखो इन्होंने खुद ही बोला है कि बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अक्कर इन पेयर, पेयर है ना कपलेट, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो हम अपनी की को किससे समझते हैं, इस एग्जांपल से समझते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने एक कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर में कॉल किया। ठीक है, कस्टमर केयर वाले ने बोला कि अगर अगर आप प्रीपेड ग्राहक हो तो ये वाला बटन दबाओ, और पोस्टपेड ग्राहक हो तो ये वाला बटन दबाओ। ठीक है, तो दो क्या है, ये अक्कर्स इन पेयर, देखो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली अक्कर इन पेयर, तो ये क्या है पेयर में है, इसीलिए ये क्या हो गए कपलेट हो गए। ठीक है, अब इन दोनों में से जोन से वाला हम बटन दबाएंगे वो क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी। ठीक है, या ये वाला बटन दबाओ या ये वाला, प्रीपेड में ये वाला, पोस्टपेड में ये वाला। तो हमने मान लो हम प्रीपेड ग्राहक है तो हमने ये वाला दबा दिया, तो ये वाला क्या हो गया, लीड हो गई। अब नेक्स्ट आया कि आप नए ग्राहक हो या पुराने ग्राहक हो, नए पुराने क्या हो गए कपलेट हो गए, और हम जोन सा इसमें से बटन दबाएंगे नया या पुराना वो क्या हो जाएगी, लीड हो जाएगी। मान लो पुराना दबा दिया। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि आप कस्टमर केयर अधिकारी से बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो ये दोनों क्या हो गई कपलेट हो गई, और इन दोनों में से जो हम सेलेक्ट करेंगे वो लीड हो गए। तो अल्टीमेटली हमें जो चाहिए था लास्ट में हम वहां तक पहुंच जाएंगे।